मनीष कश्यप की ऐसी कौन सी गलती थी जो उन पे एनएसए लगवा दी आपके हिसाब से? कुछ नहीं, बस वह जनता के लिए सच्चाई बोलता है, सच्चाई आवाज़ उठाते हैं, वह सब कोई की नज़र में चुभ गया। बेटा के लिए तो जहाँ जाना पड़ता है तहाँ हम जाते हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं, डर भटकना पड़ता है, तो अपने बेटा के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बेटा के साथ सब बिहार के लोग हैं, बिहार के नहीं दूसरा दूसरा देश के लोग हैं, पूरा लोग हैं, मेरा बेटा की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिम लोग तजिया रखे हैं मेरा बेटा के लिए, तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं, सब लोग मेरा बेटा के लिए तरस रहा है जो मनीष कश्यप बिहार में। उम्मीद क्या है, कब तक वो बाहर आ जाएंगे या फिर बिहार के जेल में कब तक आ जाएंगे, कोई उम्मीद आपको लग रहा है? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है कि ये अगस्त भर में मेरा लड़का छूट जाएगा। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी हमारे साथ उनकी माँ है जो कि राज्यपाल से मुलाकात करने आई थी। आंटी, आप राज्यपाल से मुलाकात करने आई, क्या कुछ बातें हुई? बहुत अच्छा से बात हुआ है, वो भी बोले हैं कि जी ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे अब बाद में क्या करेंगे, अब वो ही जानते हैं, लेकिन हम यही मांग की है कि जी मेरा लड़का कहने से हटा दीजिए, अब बिहार में बुला लीजिए, बिहार में बुला लीजिए, प्राथमिकी इसी बात। हाँ, जो उनका वहाँ का खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, लैंग्वेज भी नहीं समझ में आता है, यही हम अपील किए हैं राज्य सरकार से, राज्यपाल से, तो बोले हैं ठीक है, अब देखिए जगह मैंने क्या होता है। उम्मीद किन किन लोगों से है? उम्मीद तो जहाँ हम जाते हैं तहाँ उम्मीद लगा कर जाते हैं कि जी मेरा सब काम हो जाएगा, मेरा लड़का आ जाएगा, अब उम्मीद तो यहाँ पर गई थी, वहाँ पर उम्मीद है, अब भगवान जाने की जी उम्मीद के मैंने क्या होगा, हम तो आशा लगा कर घर से 5 बजे भोर में, हम रात भर नहीं सोए हैं, 5 बजे भोर में हम चली हैं। 5 बजे भोर में मतलब पटना के लिए निकल गए? हाँ, 5 बजे भोर, रात में तो मैंने बस 12 बजे ले तो हम बैठ के अपन वीडियो देखते हैं मेरा लड़का अपना लड़का को, और उसके बाद में नहा धोवा के पूजा पाठ करते उड़ते 3 बज गया, 3 बज के बाद में बस 5 बजे हम यहाँ से चल रहे। अच्छा आंटी, कितना याद आता है आपको मनीष कश्यप का? मत पूछिए मनीष कश्यप के बारे में। अच्छा, आप बोली कि 12 बजे रात तक आप अपने लड़के का वीडियो देखती हैं, ये एहसास होता है कि अभी अगर वो बाहर होते जेल के बाहर तो इससे भी बेहतर अभी तक करते रहते? पहले वाले वीडियो देखते हैं, अभी वाला वीडियो हम नहीं देखते। पहले वाला वीडियो देख के ये महसूस होता है ना कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा बेटा कहीं पीछे चला गया है, कई एक साल पीछे अब चला गया है? कुछ नहीं, अभी चलाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, रुपया पैसा सब चीज़ नहीं है, बस मेरा सामने चलाएगा तो सब धन हो गया, सब धन मिल जाएगा, मेरा लड़का धन है, मेरा पैसा रुपया नहीं है, बस मेरा लड़का आ जाएगा सब हमको सबूर हो जाएगा। मनीष कश्यप की ऐसी कौन सी गलती थी जो उन पे एनएसए लगवा दी आपके हिसाब से? कुछ नहीं, बस वह जनता के लिए सच्चाई बोलता है, सच्चाई आवाज़ उठाते हैं, वह सब कोई की नज़र में चुभ गया, कुछ नहीं दूसर कुछ नहीं। अच्छा, बेतिया कोर्ट के बाहर भी आपका एक वीडियो आया था जहां बेतिया के जज भी बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को लाया जाए फिजिकली रूप से, लेकिन उन्हें नहीं लाया जा रहा है, इस बात का मतलब कितना दुख है कि उन्हें आखिर क्यों नहीं लाया जा रहा है? ना, बेटा के लिए तो जहाँ जाना पड़ता है तहाँ हम जाते हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं, डर भटकना पड़ता है, तो अपने बेटा के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ लोग बुलाएगा तहाँ जाएंगे, वहाँ पर आशा था कि जी मेरा लड़का आएगा, वहाँ पर भी नहीं आया, अब पता नहीं ये लोग का मन में क्या है, सब भगवान दिख रहे हैं, भगवान उसका हिसाब एक एक के करेंगे, मतलब भगवान से उम्मीद है? हाँ, भगवान से तो उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, हम अभी यहाँ पर क्यों ऐसे मने नहीं रहते हैं कि जो कल मंगर है, मंगर हम करते हैं लड़के के लिए, पूजा पाठ करते हैं, अच्छा, मंदिर में जाते हैं। तभी कर रही हैं आप मनीष कश्यप के लिए? अभी 8 दिन पर मंगर, एकादशी, तेरस, मने सप्ताह में 3 व्रत, मतलब सप्ताह में 3 व्रत? हाँ, 3 व्रत, मतलब अगर देखा जाए तो 15 दिन आप फास्टिंग में ही रह रही हैं? हाँ, फास्टिंग। अच्छा, क्या उम्मीद क्या है, कब तक वो बाहर आ जाएंगे या फिर बिहार के जेल में कब तक आ जाएंगे, कोई उम्मीद आपको लग रहा है? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है कि जे अगस्त भर में मेरा लड़का छूट जाएगा। अगस्त भर में उम्मीद है, बिहार सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? बिहार सरकार से रहने दीजिए, बिहार सरकार के बात मत चलेगी, मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद राज्यपाल से है लेकिन बिहार सरकार से? राज्यपाल से बहुत उम्मीद है। अच्छा, अपने बेटा के लिए और बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? मेरा बेटा के साथ सब बिहार के लोग हैं, बिहार के नहीं दूसरा दूसरा देश के लोग हैं, पूरा लोग हैं, मेरा बेटा की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिम लोग तजिया रखे हैं मेरा बेटा के लिए,
तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं, सब लोग मेरा बेटा के लिए तरस रहा है जो मनीष कश्यप बिहार में आए। मतलब मनीष कश्यप के चाहने वाले बहुत हैं। हाँ, बहुत हैं चाहने वाला, बहुत हैं। अच्छा, जैसे कि उनसे लोग मुलाकात करने मदुरई के जेल में जा रहे हैं, बिहार से भी लोग जा रहे हैं, यूपी से भी लोग जा रहे हैं, हर एक जगह के लोग जा रहे हैं, आपके मन में ये इच्छा नहीं आ रहा कि हाँ जाके थोड़ा बेटा से मुलाकात कर ले? नहीं, हम तो नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे तो वो देखकर भावुक हो जाएगा। हमको आना वहाँ से, मैंने अब हम क्या कहें कि जो हम जाकर वहाँ से आ जाएगी, कभी नहीं आएंगी। मतलब कहीं ना कहीं जो माँ का प्रेम है वो जाने से रोक रहा है? हाँ, मतलब कहीं ये हो रहा है कि अगर जाएंगे मिलने तो हम वापस वहाँ से नहीं आ पाएंगे? नहीं, जल्दी नहीं, नहीं आएंगे। अच्छा, आखिरी में बिहार के जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा? जनता के लिए यही कहेंगे कि जो पूरा लोग आवाज़ उठावे, जितना अब बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, ऐसा ही आवाज़ बरकरार रखे कि जो मेरा लड़का जल्दी चलाए, बस यही अपील है पूरा जनता से। अच्छा, मार्च से लेके अभी जुलाई भी ख़त्म हो गया है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है, इन दिनों में क्या क्या कठिनाइयाँ आई? हाँ, अगस्त में हमारा आशा है कि जे भोले बाबा मेरा लड़का को जरूर न्याय मिलाएंगे, जरूर न्याय मिलेगा, वो आएंगे, बस उम्मीद पूरा है। हाँ हाँ, पूरा है। अच्छा, NSA उन पे लगा दिया गया है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, मतलब ये किस हद तक सही है? अच्छा लगाया है तो देखिए, आज तो लगा दिए हैं, उनका पास पावर है, उनका भी कभी बचा होगा बोर्ड, जरूर उसको आगाएगा, देख लेना जरूर आएगा, मेरा जितना आत्मा रो रहा है ना उनका, जरूर आएगा, आगा एकदम आएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ हाँ, जो करेगा वो एकदम पाएगा, उनका भी बच्चा के साथ यही होगा, देख लेना बस। मतलब कहीं ना कहीं माँ का जो दिल दुख रहा है उसका बद्दुआ निकल रहा है बस। खाना खाने, थोड़ा सा खाना खाने जाती हैं, तभी भी खाना मैंने खाया नहीं जाता है, रोने मैंने खाना देख के भी रुआ जाता है, जब मेरा लड़का बिछुआ खाना खाता, जब पूछने जाते जब बाबू क्या चीज़ खाइएगा, तो मम्मी ये चीज़ बनाइए, ये चीज़ बनाइए, अगर 12 बजे वो जाता है, 2 बजे जाता है, 3 बजे जाता है बेटी, वही उसी टाइम में खाना बनाकर हम खिलाते हैं, आज जो बोलते हैं वही खाना खिलाते हैं, तुमका चलते हम अच्छा खाना भी नहीं हम खाते हैं जी, बस त्रिभुवन जाते हैं तो सब हम चीज़ बना बना के खिलाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं, बस अपन प्राण जी, मतलब जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, पूजा करने के लिए, बस उतना ही भर, दूसरा कुछ नहीं, बस रहने दीजिए अब। तो हमारे साथ मनीष कश्यप की माँ थी, जो महीने में 15 दिन व्रत में रहती हैं और हर एक उस जगह पे जाती हैं जहाँ से उम्मीद होता है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, वो जल्द से जल्द बिहार आएंगे। आई खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।